जय श्री राम, जय श्री गणेशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि प्रोडक्शंस। तो आज मैं अभी उस्मानगंज में हूँ। जैसे कि मेरे वीडियोस में आप यूनिक गणेश देखते हो, तो आज यहाँ पे एक यूनिक गणेश है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो, इनके एसोसिएशन के लोगों से मिलते हैं। तो ये रिसाला यूथ एसोसिएशन है। तो इनका कहना है कि 30 साल पहले इन्होंने ही यहाँ पे सबसे पहले गणेश बिठाया था ये एरिया में। इनके पिताजी गोपी यादव जी है जिन्होंने ये शुरुआत की थी गणेश जी का बिठाना यहाँ पे। तो 30 साल से ये लोग यहाँ पे गणेश बिठा रहे। चलो इनसे बात करते हैं, इस आइडल के बारे में और जानते हैं, गणेश जी के बारे में और जानते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इनके अंदर। नमस्कार। नमस्कार सर, हमें इस गणेश जी के मूर्ति के बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। हाथ पे माता जी बैठी है। तो सबसे पहले बोल गजानंद महाराज की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे हमारे पापा गोड़गू गोपी यादव जी 30 साल पहले। ये हमारे एसोसिएशन का नाम रिसाला यूथ एसोसिएशन है। हमारे पापा और उनके दोस्त लोग कृष्णा रामो सब लोग स्टार्ट करे थे ये सब। तो पहले अंदर लेन में रहता था गणेश। तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि कभी भी सोसाइटी को कुछ मैसेज दे भगवान के साथ। ये तो बाल गंगाधर तिलक जी हिंदू ऐक्यता के लिए स्टार्ट करे गणेश, उसके लिए वो बाल गंगाधर तिलक जी क्या बोले, हर एक साल आप जब भी गणेश बिठाते हैं कुछ मैसेज, देश में क्या चल रहा है, ये साल क्या चल रहा है, वो मैसेज देने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी जब हिंदू ऐक्यता के लिए बनाए थे। इस बार हमारा कॉन्सेप्ट है भारत माता बैठे हुए गणेश महाराज के ऊपर हाथ पे। तो हमारा अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ, काम चल रहा है पीछे। अच्छा। तो अभी भारत माता के साड़ी से रेपिस्ट को हैंग करा जाएगा। अच्छा, ओके। तो कलकत्ता में हमारे बहुत बुरा हुआ था, हमारे वो भी कभी हमारे घर के औरत की तरह है, वो भी हर देश के हर नारी हमारे घर के औरत की तरह है। तो इसलिए आज भारत माता के साड़ी के साथ वो मूर्ख को, रेपिस्ट को हम हैंग करने जा रहे हैं। तो आप अभी जो रिसेंट एजिटेशन चल रहा है उसके वो कॉन्सेप्ट के बाद गणेश जी का आइडल बना है। कितने फीट का गणेश? ये 22 फीट गणेश है महाराज। 22 फीट के गणेश है। और अभी बहुत डेकोरेशन बाकी और 2 दिन में पूरा तैयार होगा। ओके, तब फिर आना जरूर। डेफिनेटली आएंगे, जरूर आना। तो अभी ये जो 11 दिन का है, हाँ, आपके कुछ इवेंट्स तो ज्यादा हम शो ऑफ करने के कुछ इवेंट्स नहीं लगाते। हर दिन 2 से 3 क्विंटल का प्रसाद बांटते। अच्छा। हर दिन 11:30 बजे तक शुरू होगा, 7:30 पूजा होगा और रात के 11:30 बजे तक कोई भी आओ, लास्ट आदमी कोई भी आओ, उनको तो प्रसाद दे के बांट बेच। बहुत अच्छी बात है। तो आइए गणेश जी का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे आके देखिए उस्मानगंज में। तो अभी 2 दिन के बाद ये कह रहे हैं 1-2 दिन के अंदर इसका पूरा डेकोरेशन ये जो भी बनाने वाले वो खत्म होगा। तो यहाँ पे आइए देखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप हर साल और अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आइए गणेश जी को। पक्का पक्का, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गणेश महाराज की जय, मंगल मूर्ति मौर्या। थैंक यू सो मच।